Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you all a very important topic, that is education for the disabled or disadvantaged sections. You can say this topic is the extension of the previous topic, that is equality of educational opportunities. यानी कि शैक्षिक अवसरों की जब समानता की बात की गई तभी ये बात निकल के आई कि जो अयोग्य हैं, जो वंचित हैं, जिनके संग कोई दिक्कत है, उनके लिए आपको कुछ स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा, तभी आप सबको समान दे पाएंगे शिक्षा. क्यों? क्योंकि वो वंचित हैं, उनको बराबर लाना है सबके, इसलिए उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया हमारे संविधान में. तो यही बात करनी है हमको. इसका बैकग्राउंड ये बना, इसकी पृष्ठभूमि ये बनी कि नो थॉट वॉज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ए ग्रुप दैट वेंट बाई डिफॉल्ट एंड डिड नॉट रिसीव एक्सप्लिसिट अटेंशन इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 45. यानी कि जब संविधान लिखा गया तब ये ग्रुप छूट गया था, लेफ्ट आउट हो गया था. इसके बारे में नहीं सोचा गया कि जो अयोग्य हैं, जिनके संग कोई डिसेबिलिटी है, उनकी शिक्षा का क्या प्रावधान होगा. इट हैज़ टेकन अस 50 ईयर्स टू रियलाइज दैट ऑल Children up to the age of 14 should be educated regardless of disability of any type. तो जैसे आप कह सकते हैं कि 2009 में जब ये, या 2010 से जब RTE आ गया, जब उसमें उन्होंने कहा कि सबको ले लेना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, जब ये नियम बन गया, कानून बन गया, तब कह सकते हैं कि लगभग हमको 50 साल लग गए ये सोचने में कि हमको 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनको कोई डिसेबिलिटी भी है, उनको हमें शिक्षित करना है. The first prominent reference was made by the first ever Comprehensive Education Commission recommended placement of the disabled children as far as possible in ordinary schools. यानी कि अगर हम अपने commissions की reports देखें तो हमको Education Commission में ये पहली बार मिलता है जहाँ पे वो कहता है कि आपको जो अयोग्य बच्चे हैं, disabled हैं, उनको देखिए, अब चूंकि उनको दिव्यांग कहा जाता है, पर ये सब चूंकि पुराना डॉक्यूमेंट है, पुराना लिटरेचर है, तो वहाँ आपको डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड यही मिलेगा. इवन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड करके हेडिंग है ना, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि किस समय क्या लिखा गया, इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं. तो एजुकेशन कमीशन ने कहा कि डिसेबल्ड बच्चों को भी आपको प्लेस करना है जहाँ तक संभव हो सके साधारण विद्यालयों में. उसी तरह ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी सब चल रहा है, हम संधियों पे हस्ताक्षर कर रहे हैं, इसलिए हमको अपनी नीतियों में accordingly change करना पड़ता है. The international community woke up to its responsibility and the period 1983 to 92 was declared as the UN decade of the disabled. मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और 1983 से 92 तक का जो दशक था उसको इन्होंने UN decade of the disabled कहा. मतलब यूनाइटेड नेशंस है वो डिसेबल्ड के लिए काम करेगा इस दशक में. द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, EFA, देखिए कितनी बार हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, मतलब मुझे लग रहा है शायद 50वीं बार ये कोट किया जा रहा है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, EFA, है ना, जो कि 1990 में हुई. क्योंकि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे थे, जब स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे थे, जब इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कर रहे थे, हर बार ये बात निकल के आई. तो इसी ने जो 1990 में हुआ एजुकेशन फॉर ऑल, ये सेट किया कि लर्निंग नीड्स हमको डिसेबल्ड की भी प्रोवाइड करनी है, उनको इक्वल एक्सेस पहुंचाना है एजुकेशन तक. हमने क्या बात की, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, उसमें क्या बात की कि हमको सभी को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रोवाइड करनी है, सभी को शैक्षिक समान अवसर प्रोवाइड करने हैं, प्रदान करने हैं. तो जो जिनको अवसर प्रदान नहीं है उनको, उनके लिए आप कुछ एफर्ट करेंगे तभी तो उन तक अवसर पहुंचा पाएंगे ना. तो ये सारा जो प्रावधान हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को हासिल किया जा सके. फिर एक और सालामांका डिक्लेरेशन था 1994 में, एंड द वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 1995 में, जिसने कि हमको ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए कहा कि आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन द केस ऑफ डिसेबल्ड वंस, यानी कि जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी आप सभी को प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करें. ये हमको सालामांका डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड समिट ऑफ सोशल डेवलपमेंट से पता चलता है. इट प्रोक्लेम्स दैट एवरी चाइल्ड हैज अ फंडामेंटल राइट टू रिसीव एजुकेशन एंड देयरफॉर ही और शी मस्ट बी अलाउड टू अचीव एंड मेंटेन अन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लर्निंग. यानी कि ये सारे डिक्लेरेशन कहते हैं कि हर बच्चे का ये फंडामेंटल बेसिक राइट है, अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले और वो उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लर्निंग को वो अचीव कर सके और मेंटेन कर सके. इंक्लूजन इज एंकर्ड ऑन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रमल्गेटेड इन द 1948. अब तो आपको UDHR 1948 भी याद हो जाना चाहिए, बार बार बात होती है UDHR. क्या है UDHR? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. जब
मानवाधिकारों की घोषणा हुई 1948 में, तो भी उन्होंने इंक्लूजन को लिया कि हमको सबको समावेश करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज CRPD स्पेसिफिकली उसके आर्टिकल 24 में कहा गया है स्ट्रेंथेंड, उसने मजबूत किया द ग्लोबल शिफ्ट, यानी कि पूरा संसार दूसरी दिशा में सोचने के लिए अग्रसर किया। किस दिशा में सोचने के लिए? इंक्लूजन के लिए, क्या यानी कि आपको सबको, जितने भी डिसएडवांटेज्ड डिसेबल्ड हैं, सबको इंक्लूड करना है बाई मैंडेटिंग। उसने ये निश्चित किया, एकदम पुख्ता किया, आप उसमें डिनाई नहीं कर सकते, मैंडेटरी कर दिया स्टेट पार्टीज के लिए कि उनको एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा और कुछ मेजर्स उनको फॉलो करने होंगे जिससे कि वो डिसेबिलिटी से जो युक्त हैं उसकी राइट्स को भी फुलफिल कर सकें और क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। इंडिया हैड एक्सप्रेस्ड, इंडिया ने क्या किया, इंडिया हैड एक्सप्रेस्ड, वो मतलब इंटरनेशनल बैकग्राउंड हो गया, ये इंडियन बैकग्राउंड है, नेशनल बैकग्राउंड है। इंडिया हैड एक्सप्रेस्ड हर कमिटमेंट बाय इंक्लूडिंग अ फुल चैप्टर ऑन द एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन 1986। ये आपसे बात हो रही थी कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें उन्होंने एक पूरा चैप्टर इस पे लिखा है एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड, और कहा कि हमको चिल्ड्रेन विद जो डिसेबिलिटी हैं उनके लिए हमको बहुत सारे कार्यक्रमों की घोषणा की गई और जिसका फोकस क्या था कि आपको उनको एकीकृत करना है, समावेशित करना है जनरल स्कूल्स में। और क्या कहा इस शिक्षा नीति ने, उसने कहा कि जो ऑर्डिनरी टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग दीजिए, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो विशेष बालकों को हैंडल कर सकें विद डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज इम्पेयरमेंट्स इन नॉर्मल क्लासरूम्स। कह रहे हैं कि नॉर्मल स्कूल में उसको पढ़ाओ, नॉर्मल स्कूल में टीचर कौन पढ़ाता है, नॉर्मल टीचर पढ़ाता है, स्पेशल टीचर पढ़ाता नहीं है। तो आप क्या करिए कि इतने सारे तो डिसेबल बच्चे आपकी क्लास में होंगे ना, इक्का दुक्का कोई होगा, तो उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग दे दी जाए कि आखिर वो जो भी बच्चा है उसको जो भी डिसेबिलिटी है, जो भी इंपेयरमेंट है, उसको आप टैकल कर सकें। इसके लिए NCERT ने भी स्पेशल एजुकेशन पे ट्रेनिंग चलाई। The enactment of the Rehabilitation Council of India, जो Rehabilitation Council of India भारत में आया है 1992 में, और जो Persons with Disabilities एक्ट आया 1995 में, उसने भी कहा, उसने लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया, मतलब इसको कानूनी मान्यता दे दी कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो हैं उनके एजुकेशन को पुख्ता किया जाए जो कि पहले निग्लेक्टेड थी। फिर कुछ माइलस्टोन्स की बात कर लेते हैं हम डिसेबिलिटी में, हमारे यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन में जो मील के पत्थर रहे, तो उसमें 1995 का पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, पूरा इसका फुल फॉर्म हो जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, इज वन ऑफ द की एक्ट्स विच प्रोवाइड्स फॉर एजुकेशन, employment, creation of barrier-free environment, social security, etc. of persons with disabilities. यानी ये जो एक्ट आया उसने कहा कि जो भी अयोग्य व्यक्ति है उसकी social security, उसको barrier free environment मिले, उसका employment set हो, उसका education हो, इन सब के लिए इसने बताया। फिर 1999 में आता है enacted the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act. यानी जो autism के शिकार हैं, जो उनको cerebral palsy की दिक्कत है, जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, retard हैं, और जिनको बहुविसंगतियां हैं, उनके लिए ये एक्ट बना। फिर 2005 में जो आपका NCF 2005 आया, उसको मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन पे आपसे डिस्कस भी किया है, उस पर मेरा एक पुराना वीडियो भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि उसने क्या कहा है कि लर्नर्स डाइवर्सिटी या डिसेबिलिटी को कैसे टैकल करना है। 2006 में आता है एडॉप्टेड द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पूरी पूरी एक पॉलिसी आई है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, और इसमें अपोजिशन पेपर भी पब्लिश किया गया बाय द नेशनल फोकस ग्रुप ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिर 2008 में आता है रेटिफाइड द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। फिर आ गया 2009 में आपका वही राइट RTE एक्ट 2009, उसने कहा कि सबको इंक्लूड करना है आपको, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देनी है, अप टू 14 ईयर्स आपको शिक्षा देनी है, मना नहीं करना है किसी भी विधि किसी भी रूप में। फिर 2016 में आपका आता है RPWD एक्ट, देखिए PWD एक्ट 1995 में आया है और RPWD एक्ट 2016 में आया है, तो इसने पिछले वाले को ही एक्सटेंड कर दिया है, उसने डिसेबिलिटीज बढ़ा दी हैं और अपने थोड़े से यू कैन से कि रिकमेंडेशंस बढ़ा दी हैं। फिर 2018 में क्या आता है समग्र शिक्षा, यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान था उसमें और उन्होंने क्राइटेरिया कवर करते हुए उसको समग्र शिक्षा कर दिया कि हम पूरा समग्र मतलब इन टोटैलिटी पूरा हम यूनिवर्सलाइजेशन देने की कोशिश करेंगे, और इसने क्या किया जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, यानी आप किसी को मना नहीं कर सकते, और 2020 में तो आपकी NEP आई गई है। फिर NEP 2020 क्या कह रही है एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड पे, इट रीअफर्म्स द प्रोविजंस इन द RPWD एक्ट, यानी कि देखिए 2016 में RPWD एक्ट आया है उसी की प्रोविजन को इसने और पुख्ता किया कि नहीं आपको सबको शिक्षा देनी है, और ये कह रहे हैं कि फुल्ली पार्टिसिपेट इन द रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस, यानी कि जो डिसेबिलिटी से युक्त बच्चा है वो भी रेगुलर स्कूलिंग में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए आपको फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेट टू हायर एजुकेशन, यानी कि प्री प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक। उसी तरह से इन्होंने कहा कि आप स्कूल्स का क्लस्टर बना लीजिए जिसमें कि आप
कोऑर्डिनेशन करके, लीडरशिप करके, गवर्नेंस बढ़िया मैनेजमेंट करके आप विद्यालयों में शिक्षा देंगे। और एनईपी 2020 ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट, क्योंकि आरटीई एक्ट ये जो कि लीगल हो गया है, फंडामेंटल राइट हो गया है, तो स्टेट या गवर्नमेंट का राइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है, ब्रिजिंग इक्विटी एंड पार्टिसिपेशन गैप्स इन एजुकेशन स्पेशली फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, SEZ का नाम दिया है ना इसने, SED की, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए हम विशेष काम करेंगे। और RTE एक्ट हम जानते ही हैं, फिर से इसको जान लीजिए, तो पूरा मेरा आर्टिकल ही वीडियो ये RTE एक्ट पे, ये क्या कह रहा है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एक्ट 2009 और राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एज इट इज ऑफन कॉल्ड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड विद इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years इन अवर कंट्री हैज ए फंडामेंटल राइट टू परस्यू एंड फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल। वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे का ये कानूनी अधिकार हो गया है कि उसको फ्री मतलब मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए नेबरहुड स्कूल में, यानी कि स्कूल की लोकेलिटी भी उसके घर के पास होनी चाहिए। दिस फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010, हम लोगों ने बहुत बार बात की है, विद द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21A, यानी कि आपके संविधान में एक इंसर्ट किया गया आर्टिकल 21A के नाम से। और ये कौन सा संविधान का संशोधन था, 86वां संशोधन था, ये भी बहुत बार बात हो गई, किस वर्ष आया, 2002 में। और ये कहता क्या है, ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years इन सच मैनर एज द स्टेट मे बाई लॉ डिटरमाइन। ओके, और MHRD ने ये भी कहा कि RTE एक्ट एज एनविसेज्ड अंडर आर्टिकल 21 इंप्लाइज दैट एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू परस्यू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन। सिर्फ फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ही देनी है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल की होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, सबकी नीड इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, एंड एक फॉर्मल स्कूल में होनी चाहिए दैट सेटिस्फाइज सर्टेन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। और उस विद्यालय को कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने होंगे, यानी कि किसी भी तरह से नहीं पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है, बढ़िया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, नेबरहुड स्कूल होना चाहिए, कुछ नॉर्म स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो, ऐसा होना चाहिए। और RTE एक्ट डिसेबल्ड बच्चों के लिए क्या कहता है, ये कहता है कि हमको चूंकि सभी को हमको उसमें समावेशित करना है, तो किसको ये कह रहे हैं कि डिसएडवांटेज या वीकर सेक्शन होगा चाइल्ड, उसको या कोई विसंगति हो, या वो SC ST या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करता हो, या उसका जो पेरेंट और गार्जियन हो उनकी एनुअल इनकम जो इन्होंने एक मिनिमम लिमिट दी है उससे कम हो, अगर वो सब चाइल्ड रखता है तो उसको डिसेबल्ड कहा जाएगा और आप उसको किसी भी स्थिति में डिनाई नहीं करेंगे, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है। और डिसेबिलिटीज कवर्ड अंडर द एक्ट, कौन कौन सी डिसेबिलिटी को इस एक्ट ने कवर किया है अपने अंदर, तो राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 ने जितनी डिसेबिलिटी कवर की है वो, नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ही कह रहे ना कि RTE एक्ट रिफर्स टू द प्रीवियस लॉ ऑन पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी कि आपको PWD एक्ट 1995 पढ़ लीजिए जो कि अब RPWD एक्ट 2016 हो गया है, और नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्संस यानी ऑटिज्म का से पीड़ित बच्चा हो, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये हो ही गया। और सीवियर डिसेबिलिटी किसको कहा इन्होंने, अगर उसको ज़्यादा डिसेबिलिटी है 80% से ज़्यादा है तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहा जाएगा। इन एडिशन टू दिस द RTE अमेंडमेंट एक्ट 2012 ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर ए चाइल्ड विद मल्टीपल और सीवियर डिसेबिलिटीज टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, यानी ये कह रहे हैं ना सबको आप नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाइए, लेकिन जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, 80% से ज़्यादा विसंगति है, उसके लिए होम बेस्ड एजुकेशन का भी प्रोविजन RTE ने अपने अमेंडमेंट कर दिया 2012 में और ये बताया है। और होम बेस्ड एजुकेशन के लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि कौन पढ़ाएगा, कौन ट्यूटर होगा, कौन स्पेशल एजुकेटर होगा, उसका भी प्रोविजन है। फिर एक लास्ट में कि प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल सर्विसेज टू ऑल, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन और सुगम्य भारत अभियान, तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक चलाया गया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के द्वारा, ये 2005 होना चाहिए था, है ना, इसको मैं डिस्कशन बॉक्स में क्लियर कर दूंगी ये कौन सा ईयर है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि हम एक बैरियर फ्री और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे सकें उन सभी व्यक्तियों को जो डिसेबिलिटीज से युक्त हैं पूरे देश में। डिसेबिलिटीज अंडरस्टूड टू बी कॉज बाई फिजिकल, सोशल, स्ट्रक्चरल एंड एटीट्यूडिनल बैरियर्स दैट प्रिवेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इक्वली इन सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि विसंगति कहाँ किसको जाएगा कि उसको कोई बहुत फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से कुछ उसके संरचना में ऐसी दिक्कत हो गई है या कुछ उसके एटीट्यूडिनल बैरियर्स उसके साथ हैं जो कि उसको पार्टिसिपेट करने से रोकता है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में। और बैरियर फ्री एनवायरमेंट उसको देंगे, उसको इक्वल पार्टिसिपेशन उसका फैसिलिटेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो एक इंडिपेंडेंट और डिग्निफाइड जिंदगी जी सके।
तो ये पूरा है एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड के लिए हमारे यहाँ। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक एक टॉपिक अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। तो हमने बात कर ली इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी हमको सबको शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करनी है, और इसीलिए जो डिसेबल्ड है, जिसको हम छोड़ दिए थे, भूल गए थे, निगलेक्ट किए थे, उसके लिए बात की गई कि आपने चूंकि सभी को देनी है इसलिए उनको भी इंक्लूड कीजिए और उनकी शिक्षा के लिए भी सोचिए। अब हम बात करेंगे कि संविधान में वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो एजुकेशन देने की बात करते हैं। ओके ठीक है, ये लास्ट वाली स्लाइड को क्या हो जा रहा है, कुछ तो दिक्कत हो जा रही है इसकी पीपीटी बनाने में। चलिए, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।